कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी पर पूर्व में जारी हुए एडिटिंग वीडियो पर अब पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने एफआईआर दर्ज कराने की बात कही, जिसको लेकर मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि दिग्विजय सिंह अपनी गलती छुपाने के लिए एक साल पहले वाले वीडियो को सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले दिग्विजय सिंह को माफी मांगनी चाहिए और ये डर्टी पॉलिटिक्स बंद होनी चाहिए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का एडिट वीडियो अपने ट्विटर अकाउंट में पोस्ट करने के बाद विवादों में आए पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने अब कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के ऊपर बने एडिटिंग वीडियो पर एफआईआर दर्ज कराने की बात कही, जिसको लेकर गृह और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने चुटकी लेते हुए कहा कि मैं स्वास्थ्य मंत्री हूं तो मुझे एक ही बात याद आती है, बीमारी से लड़ना है, बीमार से नहीं। उन्होंने दिग्विजय पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर कोई ऐसा वीडियो आया था तब इन लोगों ने एफआईआर क्यों नहीं दर्ज कराई। दिग्विजय सिंह की गलती पकड़ में आ गई है तो अब इतने दिनों बाद उस विषय को निकाल रहे हैं। दिग्विजय अपनी गलती छुपाने के लिए यह सब कर रहे हैं। नरोत्तम ने कहा कि यह डर्टी पॉलिटिक्स है, इसे बंद होना चाहिए और दिग्विजय सिंह को माफी मांगनी चाहिए। गौरतलब है कि दिग्विजय सिंह ने शराब को लेकर शिवराज के जनवरी में दिए बयान के हिस्सों को गलत तरीके से पेश किया था और उसे अपने ट्विटर अकाउंट में डाला था, और जब विवाद बढ़ा तो उन्होंने यह वीडियो हटा लिया था, जिसके बाद भाजपा ने उनके खिलाफ क्राइम ब्रांच में एफआईआर दर्ज कराई है। अब यह विवाद दिग्विजय सिंह के गले की हड्डी बनता जा रहा है। दिग्विजय सिंह पर क्या बोलूं, मैं तो स्वास्थ्य मंत्री हूं इसलिए मुझे वो स्लोगन याद आता है कि हमें बीमारी से लड़ना है, बीमार से नहीं। एक साल पुराना कोई निकाल के विषयांतर करने की कोशिश कर, अपनी गलती छुपाने की ये कोशिश है। पहले तो उन्हें माफ़ी मांगना चाहिए कि ये डर्टी पॉलिटिक्स बंद होना चाहिए, और मान लो कि वो है तो उस समय क्या कर रहे थे, किसने रोका था, और अब खुद पे बीती तो खुदा याद आया। आपकी गलती पकड़ में आ गई इसलिए आप इस तरह की बात क्यों कर रहे हैं। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।